हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे कर्क लग्न वृश्चिक राशि। यदि आपके लग्न कर्क है और राशि वृश्चिक है तो क्या प्रभाव पड़ेगा आपके व्यक्तित्व पे। जीवन में चंद्रमा का वृश्चिक राशि में चले जाना कितना प्रभावित करेगा आपको, इसी की चर्चा करेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को जानकारी के लिए शेयर करिएगा। कर्क लग्न कर्क राशि, कर्क लग्न वृश्चिक राशि। तो कर्क लग्न, लग्न आपका पुनर्वसु पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र से बना हुआ है। कर्क लग्न मतलब राजयोग कारक लग्न, पैदा हुए हैं राज सत्ता भोगने के लिए। भावनात्मक रूप से कमजोर है थोड़ा सा, भावुक ज्यादा है, ये कहने कमजोर नहीं, भावुक ज्यादा है। पुनर्वसु है तो कोई काम आपको बार बार करना पड़ता है, तो स्टार्टिंग आपके काम की बार बार काम करने की आदत है, एक बार में काम फिनिश ही नहीं होता। उसके बाद पुष्य नक्षत्र है जो कहता है कि खुद का पोषण करो, समाज का परिवार का पालन पोषण करो। उसके बाद आपको नक्षत्र आएगा अश्लेषा नक्षत्र, बुध का नक्षत्र है। बुध के वाक चातुर, बुध का बुद्धत्व तो अगर आप प्राप्त कर सके तो मुक्ति की ओर बढ़ जाएंगे। नहीं, अश्लेषा आपको बांध लेगा। क्या अश्लेषा? जकड़ लेने का नक्षत्र है, पकड़ लेने का नक्षत्र है। तो आपको लोग पकड़ लेंगे, व्याधियां पकड़ लेंगी, परेशानियां पकड़ लेंगी। बुध आपके कुंडली में द्वादश भाव के कारकत्व को लेकर चलता है और पराक्रम भाव के कारकत्व को लेकर चलता है, अतः अश्लेषा आपको बंधन कारक होगा, व्यय कर देगा। आपका लग्न का स्वामी पंचम भाव में जाके नीच का हो रहा है। लग्न कर्क, शुद्ध मिनरल वाटर, या शुद्ध मिनरल वाटर, कंदराओं से बहता हुआ कलकल पानी है ये। और ये जाके कहाँ गिर रहा है? तालाब में गिर रहा है। ठीक, तालाब जैसा पानी है, नदी में गिर रहा है, जो नदी ग्रामीण अंचल या शहरी अंचल में चल रही है। तो अब यहाँ एक शुद्ध पानी या शुद्ध पानी में मिलान कर रहा है। ठीक, और मिलान कहाँ करेगा? विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। तो आप देखें तो आपके लग्न में गुरु है, लग्न में शनि है और लग्न में बुध है। ध्यान देने वाली बात है, आपके लग्न में तीन ग्रह चल रहे हैं, गुरु शनि बुध, और आपके लग्नेश जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी तीन ग्रहों का नक्षत्र चल रहा है। विशाखा मतलब गुरु का, अनुराधा मतलब शनि का, और ज्येष्ठा मतलब बुध का। तो जिन तत्वों को लेके शरीर आपकी बनी है उन्हीं तत्वों में जाके मन बैठ रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। जिन तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है उन्हीं तत्वों के स्वामियों के घर में आपका मन का स्वामी जाके बैठ रहा है, तो बहुत व्यापक असर पड़ेगा, बहुत जल्दी एनर्जी को एडाप्ट करेंगे। सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह की एनर्जियां बहुत इजीली आपके पास आएंगी। अब चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा अकाल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव के कारकत्व को लेकर चलता है, अर्थात भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख, परिवार, ये सारी चीज़ें चंद्रमा के अंतर्गत आती हैं। मन, मस्तिष्क, आपके गले की श्वास की जो नलिकाएं हैं, हृदय, हार्ट और गुप्तांग तक इसके प्रभाव में आते हैं। इसका मैंने एक वीडियो बनाया है, नीच के चंद्रमा की कथा और आपके जीवन के दुख भरी व्यथा, उस पर आप जाके देख लीजिएगा। बृहद विवेचन और ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आपके कुंडली में यदि चंद्र महाराज नीच के हुए तो क्या क्या आप परेशानी देंगे? देखिए, चतुर्थ भाव के कारकत्व को लेके चल रहे हैं, पहला काम करेंगे चतुर्थ भाव को पीड़ित कर देंगे। पहली चीज़ तो आपका जो सेहत होगी, स्वास्थ्य होगा, वो उतार चढ़ाव युक्त होगा, वो उतार चढ़ाव युक्त होगा, क्योंकि लग्नेश नीच के हो रहे हैं। लग्न का स्वामी ही नीच का हो जाए तो फिर उसके व्यक्तित्व का विकास कैसा? अगर प्राइम मिनिस्टर ही पंगु हो जाए तो फिर राहुल गांधी जैसे लोग
संसद भवन में अध्यादेश बिल लेके फाड़ के फेंक देते हैं। और प्राइम मिनिस्टर मजबूत हो तो पूरे प्रदेश की सरकार बदल दी जाती है, कोई चूसी पूतक नहीं करता। जो कल को मुख्यमंत्री बनने वाला था उसको फरमान आ जाता है कि नहीं आप उप मुख्यमंत्री बन जाओ, आंख में आंसू लेके उप मुख्यमंत्री बन जाता है। लेकिन नहीं, प्राइम मिनिस्टर अगर कमजोर हो तो बगावत कर देगा। इसलिए लग्नेश का मजबूत होना आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके लग्नेश यहाँ हो रहे हैं कमजोर, तो विशाखा नक्षत्र में वो नीच के रहेंगे, अनुराधा नक्षत्र में नीचता छोड़ना शुरू करेंगे और धीरे से शनिवत काम करना शुरू कर देंगे। जैसे ज्येष्ठा में जाएंगे एक परिपक्व स्त्री जैसा काम करेंगे, चंद्रमा चंद्रमा जैसा नहीं रह जाएंगे। तो चतुर्थ भाव के कारकत्व को लेकर चलने की वजह से आपको भूमि भवन वाहन माता इन सब में कमी आना स्वाभाविक है। अब आपके शुक्र अगर चतुर्थ भाव में सुख रही हैं, शुक्र अगर आपके एकादश भाव में बैठे हैं, शुक्र आपके शुभ भावों में बैठे हैं, तब आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, घर मिलेगा, माता मिलेगा, सुख सुविधा की सारी सामग्री मिलेगी, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। आपको माता से भी दूर रहना पड़ सकता है। आपके एजुकेशन के लिए आपको बोर्डिंग में भेजा जा सकता है, हॉस्टल में भेजा जा सकता है। आपके करियर बनाने के लिए आपको अपनों से दूर भेजा जा सकता है। तो आप अगर शुक्र अच्छा हुआ तो, अगर शुक्र खराब हुआ तो फिर आप ऐसे घर में ही पैदा होते हैं जहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की कमी रहती है। तो आपको घर के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, भूमि भवन वाहन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आपका मन जहाँ पीड़ित है वहीं शरीर भी आपका पीड़ित हो जाएगा। तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको नित नवीन आती रहेगी। वहीं पे यदि और ग्रहों का दुष्प्रभाव हुआ तो आपका हॉस्पिटल आना जाना लगातार बना रहेगा। आपको वहम हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कोई आपको पुकार रहा है, कुछ एनर्जी आपको बुला रही है। लग्न का स्वामी पंचम है तो पूर्ण रूप से आप आध्यात्मिक होते जाएंगे। अब यहाँ पे एक चंद्रमा के कमजोर होने से सिर्फ चतुर्थ भाव कमजोर नहीं होगा, सिर्फ लग्न कमजोर नहीं होगा, तीन पार्ट और कमजोर हो जाएंगे। क्योंकि चंद्र महाराज लग्नेश हैं, अतः लग्न के कमजोर होने से मन कमजोर हुआ। मस्तिष्क का कारक है तो मस्तिष्क आपका कमजोर होगा। ये फर्स्ट हाउस जो है मान सम्मान का है तो मान सम्मान में कमी आएगी। देखिए रिस्पेक्ट किसको मिलता है, जो खुद बलशाली हो, ज्ञानवान हो, मजबूत हो, उसी को रिस्पेक्ट मिलता है। जहाँ चंद्रमा का निम्न में जाना थोड़ा सा रिस्पेक्ट में कमी लाता है। अभी अभी विशाखा में है तो कमी ज़्यादा होगी, अनुराधा में है तो और कमी कम आ जाएगी, और ज्येष्ठा में है तो कमी और कम आ जाएगी। नक्षत्र के अनुसार आप देख लीजिएगा आप कहाँ पे हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती दिए हुए नंबरों पर संपर्क करिएगा, आपको बताया जाएगा। हम तो आपके लिए ही काम कर रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमा आपके तीन नक्षत्रों के कारकत्व को लेकर चलता है। तो पहला रोहिणी नक्षत्र के कारकत्व को लेकर चलता है, मतलब रोहिणी नक्षत्र का स्वामी है। कारकत्व ना कहें, रोहिणी नक्षत्र का स्वामी है। तो रोहिणी की आरोहणा शक्ति आपसे विलुप्त होना शुरू करती है। यद्यपि चंद्रमा की दृष्टि सप्तम दृष्टि वृषभ राशि पे है, रोहिणी नक्षत्र पे हो सकती है, किंतु अगर आप बीमार हैं, आप परेशान हैं ना, तो देखने मात्र से कुछ नहीं होता, देखने मात्र से कुछ भी नहीं होता। अगर आप मजबूत हैं तो आपकी दृष्टि बहुत काम करती है। अगर आप घर में मजबूत हैं जिसको देख लीजिए फटाफट आपके लिए काम करेगा। अगर आप कमजोर हैं तो किसी की तरफ दृष्टि उठा के देखो, याचक जैसी दृष्टि होगी। किसकी जैसे? याचक जैसी दृष्टि होगी। तो यहाँ पे आपकी आरोहणा शक्ति प्रभावित होती है, तो लाभ के मार्ग में रुकावट आती है, नित नवीन रुकावट आती है। पिता के धन में कमी आ जाती है, पिता का धन नहीं मिलता, बड़े भाई लोग भी सपोर्ट नहीं करते। वहीं पे इसकी दूसरी जो राशि, दूसरा जो नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, हस्त स्थापना गम्या शक्ति। हस्त नक्षत्र पराक्रम भाव में है, तो पराक्रम भाव में हस्त नक्षत्र होने से बंधु बांधव मित्रों से जो स्नेह मिलना चाहिए उस स्नेह में आपको कमी मिल जाती है। मतलब जब उनको सपोर्ट करना चाहिए तब वो हाथ खड़ा कर देंगे, बोलेंगे नहीं भाई मैं बहुत बिजी हूँ, मैं इस समय परेशान हूँ, या मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे, बात ही आपसे नहीं करेंगे। और आप भी जो काम कर रहे हैं तो काम आपका स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मिडिल में आके कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से आपका काम धीरे से नीचे की ओर चला जाता है। आपका दोस्तों के बीच में मान सम्मान में कमी आ जाती है। छोटे भाई
बंधुओं से भी पटरी कम खाती है, उसका कारण हस्त नक्षत्र का पीड़ित हो जाना, मतलब चंद्रमा पीड़ित हो गया तो हस्त नक्षत्र पीड़ित हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल से एक थाट है, अगर आप घर के सदस्य हैं, आप घर के मुखिया हैं, आप दुखी हो गए, आप बीमार हो गए, तो बीमार होने के बाद सबसे पहले क्या प्रभाव आएगा, पहले प्रभाव आप पे पड़ेगा, उसके बाद आपके बीवी पे पड़ेगा, क्योंकि आप बीमार हो गए कंटिन्यू तो आप इनकम स्रोत बंद हो जाएगी, तो घर पर प्रभाव पड़ेगा, और उसका प्रभाव आपके बच्चों पे पड़ेगा, और जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उस ऑफिस में भी उसका प्रभाव पड़ेगा, ऑफिस से आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, छुट्टी दे दी जाएगी, जाओ महाराज ज़रूरत नहीं है आपकी। तो एक व्यक्ति के बीमार होने से जहाँ उसका व्यक्तित्व खराब हुआ, वहीं उसकी पत्नी भी परेशानी में आएगी, उसके बच्चे भी परेशानी में आएंगे, उसके माता पिता भी परेशानी में आएंगे, और ऑफिस से भी उसकी छुट्टी कर दी जा सकती है। बस यही कॉन्सेप्ट चंद्रदेव के साथ चलेगा। चंद्रदेव यहाँ पे जैसे निम्न के हो रहे हैं तो लग्न पीड़ित होगा, चतुर्थ भाव पीड़ित होगा, और आपके एकादश भाव पीड़ित होंगे, आपके तृतीय भाव कमंडल पीड़ित होगा, और सप्तम भाव पीड़ित हो जाएगा। इस चीज को पकड़ के रखिएगा। तो सप्तम भाव में अब आपके आ रही है मकर राशि। मकर राशि में जो मिडिल पॉइंट है वो उसका नाम है श्रवण नक्षत्र। कौन सा नक्षत्र? श्रवण नक्षत्र। इस राशि में चंद्रमा को और मंगल को उच्चता प्राप्त होती है, लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र में जाके और यहीं पे गुरु को नीचता प्राप्त होती है, निम्नता प्राप्त होती है। अब जो श्रवण नक्षत्र है उसका जो मिडिल पॉइंट है मकर राशि का जो मिडिल पॉइंट है उसका नाम है श्रवण नक्षत्र। श्रवण मतलब ये कान, सुनना। तो सुनने की क्षमता आपके अंदर खत्म हो जाएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। देखिए शुद्ध जल अशुद्ध जल में मिलान कर रहा है, और आपने देखा होगा संगम का दृश्य प्रयागराज में, दो जल आपस में मिल नहीं पाते। आपने सागरों को देखा होगा, दो सागर आपस में मिल नहीं पाते, उनकी दोनों पानी है लेकिन एक रेखा बनी है, दोनों अलग अलग है। तो पानी पानी से भी इसलिए नहीं मिल पाता, मिनरल वाटर है, समुद्र के जल से नहीं मिल पाएगा। और चूंकि ये मिनरल वाटर जाके खारे पानी में मिल रहा है तो प्यास बहुत लगती है, मतलब प्यास अधूरी रह जाती है। आप समुद्र में कभी खुदा ना करे, मतलब ऊपर वाला ना करे कि समुद्र में फंस जाओ, समुद्र में फंस जाओगे ना तो प्यास से मर जाओगे। पानी तो चारों तरफ होगा लेकिन प्यास नहीं बुझेगी, समुद्र का पानी पियोगे मर जाओगे, ऐसी कंडीशन बनती है। तो जल में रह के प्यास से मर जाना, ऐसी स्थितियां कर्क राशि वालों के साथ बनती है। अब सप्तम भाव पे जो मकर राशि है उसमें जो श्रवण नक्षत्र चल रहे हैं, श्रवण नक्षत्र के प्रभाव में आने के पश्चात श्रवण नक्षत्र जब पीड़ित हो जाएगा तो आपका जीवन साथी से जो संबंध होगा खराब हो जाएगा। जीवन साथी सुनेगा ही नहीं आपको, सुनाएगा सुबह शाम आपको सुनाता रहेगा, सुनेगा तो है ही नहीं, तो आपका दाम्पत्य जीवन भी खराब हो गया। हाँ यहाँ पे अगर शनिदेव अच्छे हैं, शुक्रदेव अच्छे हैं तो गाड़ी सुअनुसो चल जाएगी, पर्दे के पीछे क्या है लोगों को पता नहीं है, लेकिन आप समाज में ठीक ठाक चला ले जाएंगे, लोगों को पता नहीं चलने देंगे, लेकिन वास्तविक स्थिति से तो आपको ही दो चार होना पड़ेगा, उससे संघर्ष आपको ही करना पड़ेगा। आपके कुंडली में अब अकेला चंद्रमा आप देखें तो लग्न को पीड़ित कर रहा है, चतुर्थ भाव को पीड़ित कर रहा है, एकादश भाव को पीड़ित कर रहा है, तृतीय भाव को पीड़ित कर रहा है, पंचम भाव को पीड़ित कर रहा है, तो पांच पांच चीजों को चंद्रमा प्रभावित कर रहा है। एक अकेला चंद्रदेव जो जा रहे हैं वृश्चिक राशि में वो पांच चीजों को प्रभावित कर रहे हैं। क्या उपाय करें? देखिए आपके कुंडली में चंद्र महाराज जो होते हैं वो मन के कारक के साथ साथ धन के भी कारक होते हैं, लक्ष्मी पुत्र हैं ये। क्या है? चंद्रमा लक्ष्मी का कारक माना जाता है, शुक्र और चंद्र लक्ष्मी के कारक माने जाते हैं। अब चंद्र महाराज मंगल की राशि में है, अब मंगल स्वतः यहीं बैठ जाए तो लक्ष्मी योग कन्वर्ट हो जाएगा। क्या? लक्ष्मी योग। अब चंद्र मंगल के साथ उपस्थित होने से नीच भंग राजयोग कन्वर्ट हो जाएगा। तो मंगल अगर अच्छे हैं आपके कुंडली में तो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती रहेगी। सूर्य स्वग्रही हो गया आपका तो भी द्रव्य दक्षिणा की कमी नहीं रहेगी, जीवन में द्रव्य दक्षिणा प्राप्त होती रहेगी। शुक्र महाराज अपने ही घर में बैठ जाएं, चतुर्थ भाव में या एकादश भाव में या उच्च के होकर बैठ जाएं, तब भी पैसे की कमी तो नहीं रहेगी, लेकिन सुख पीड़ित होगा। पैसे की कमी नहीं होगी, घर तो होगा, गाड़ी तो होगा, बंगला होगा, लेकिन सुख जो होता है ना, सुख
सुख क्या है, अनुभव का विषय है, उस अनुभव में कमी आ जाती है। और पंचम भाव में बैठा है, पंचम भाव संतान का होता है, संतान से जो संबंध होते हैं ना वो बड़े कठिनता से बनते हैं। संतानें भी अक्सर इनका दिल दुखाती हैं, मन को तोड़ने वाली बातें कहती हैं। तो एक चंद्रमा इन पांच छह चीज़ों को आप कुंडली में 50% चीज़ों को प्रभावित कर देता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और आँख का कारक है। तो मन खराब हो जाना, आँखों में पीड़ा आ जाना, आँखों में तकलीफ आ जाना, आजकल का जो दौर है चश्मा सभी को लगेगा, क्योंकि हम लोग राहु के गिरफ्त में हैं। राहु मतलब मोबाइल, राहु मतलब इंटरनेट, राहु मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब तो आएगी। तो इसको ठीक कैसे करें? इमिडिएटली एक बढ़िया क्वालिटी का मोती पहने। बढ़िया क्वालिटी मतलब बसरा मोती के चक्कर में, साउथ सी के चक्कर में जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। नॉर्मल से मोती को वो पैक करके आपको बसरा का मोती बना के बता के दे देंगे। जो मोती 150 रुपये या 50-60 रुपये कैरेट की है उसको 6-7 हज़ार रुपये कैरेट में बेच देंगे आपको, बसरा मोती कह के। नॉर्मल मोती जो आपको 15-20 रुपये 30 रुपये रत्ती मिलती है उसको साउथ सी का नाम देके आपको 500 रुपये कैरेट का बेच दिया जाएगा। तो नॉर्मल से मोती लेके पहनिए, बढ़िया मोती पहनिए। बढ़िया मतलब चमक अच्छी होनी चाहिए, कलर अच्छा, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। आप लेके पहनिए, आपका मन अच्छा होना शुरू होगा। भावी मेट सकें त्रिपुरारी, भगवान शिव के शरण में जाइए ना। चंद्रमा की जब कथा पढ़िए तो चंद्रमा को जब श्राप मिल जाता है तो अपने श्राप के ताप से मुक्ति के लिए सोमनाथ पे जाके वो आराधना उपासना करते हैं और भगवान शिव उनके कष्टों का हरण करते हैं। तो भगवान शिव के शरण में जाइए और एक बार सोमनाथ का दर्शन करने आइए। किसका? सोमनाथ का दर्शन करने एक बार जरूर जाइए, वो आपके कष्टों का हरण करेंगे। जहाँ भी आपके आसपास भगवान शिव विराजते हैं उनकी आराधना उपासना आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी और श्रेष्ठ होगी। क्यों? क्योंकि भगवान शिव तो जटा में गंगा जी को लेकर चलते हैं, मिनरल वाटर को चलते हैं। तो अशुद्ध जल, जो शुद्ध जल अशुद्ध जल में मिल रहा है उसमें ज़्यादा शुद्ध जल मिला दिया जाएगा तो अशुद्ध जल धीरे से नीचे बैठ जाएगा, धीरे से नीचे बैठ जाएगा। बस इतनी सी कहानी है। पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करें, पानी को व्यर्थ बहने से रोकें, ये आपके लिए बहुत कारगर उपाय है। चंद्रमा जो कि माता का कारक है तो माता का सम्मान करें, पंच माताओं का सम्मान करें। जब भी मौका मिले उन्हें कोई गिफ्ट आइटम दें, उन्हें प्रणाम करें। क्या? उन्हें प्रणाम करें। माता को वर्ष में एक बार वस्त्र वगैरह, अपनी माता को या पंच माताओं में से किसी माता को वस्त्र देते रहें, उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह लेते रहें। रात को सोते समय दूध जरूर पिया करें, थोड़ा सा मिश्री डाल के, संभव हो तो चांदी के गिलास में पिए, संभव है। और घर में रहते हैं तो माता के हाथ से पिए। चंद्रमा की नकारात्मक एनर्जी खत्म होकर सकारात्मक एनर्जी मिल जाएगी आपको। आप जहाँ भी रहें अपने माँ को जरूर याद किया करें, माँ से बातचीत किया करें, उनके प्रेम उनका प्राप्त करने की कोशिश करें, आप ठीक हो जाएंगे। अब इसमें तीन चीज़ें आपकी कुंडली में मोटा मोटा ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। एक तो आपका लग्न, तो लग्न को ठीक करने के लिए चंद्रमा के मंत्रों का जाप या भगवान शिव के मंत्रों का जाप, अधिक से अधिक पानी पीना, एक मोती पहनना आपके लिए श्रेष्ठ कर श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। वहीं पे यदि आप कि आय भाव में पीड़ित पीड़ा पहुंच रही है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, कमाई का स्रोत बंद हो गया है, तो अपने शुक्र को देख के आप शुक्र का रत्न भी पहन सकते हैं, क्योंकि सुखेश है और लाभेश है। और रोहिणी के मंत्रों का जाप करना भी आपके आय के मार्ग को खोल देने वाला होगा। वहीं पे आपके बंधु बांधव मित्रगण अगर चीटिंग कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं, तब आप यहाँ पे हस्त नक्षत्र के मंत्रों का जाप करना आपके लिए श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। वहीं अगर दाम्पत्य जीवन में कष्ट है, जीवन साथी से बहुत ज़्यादा तनाव है, तो देख लीजिए, अगर निभ सकती है तो निभा लीजिए, निभ सकती है तो निभा लीजिए, नहीं निभ सकती तो अलग हो जाइए। क्योंकि जरूरी नहीं कि रोज रोज जीना, रोज रोज मरना लगा रहे। आप स्वतंत्र पैदा हुए हो, स्वतंत्र मरोगे महाराज, स्वतंत्र ही पैदा हुए स्वतंत्र मरोगे। और ये जीवन साथी का जो कांसेप्ट है ना, बिल्कुल झूठा कांसेप्ट है। कोई जीवन साथी होती नहीं होता, सब स्वार्थ के साथी होते हैं। इनका स्वार्थ है इसलिए आपके पास बने हुए हैं। जिस दिन इनका स्वार्थ नहीं रहेगा आपको किक करके निकल जाएंगे। भ्रम में मत रहिए, जीवन साथी जैसा कुछ भी होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता। जीवन साथी दरअसल होता क्या है,
ये जानना बहुत जरूरी है। इसका वीडियो स्पेशल आपको बना के दिया जाएगा। लेकिन जो हम सांसारिक जीवन साथी जैसा बोलते हैं ना, ये सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। जब तक स्वार्थ की पूर्ति हो रही है तब तक रिश्ते आपके हैं। जिस दिन पूर्ति होना बंद हो गई, आपसे निकम्मा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप लोगों के लिए कमा के दे रहे हो, लोग आपको मानते हैं। जिस दिन कमा के देना बंद करो, आपसे निकम्मा कोई नहीं है। तो देख लो, अगर रिश्ते निभ सकते हैं तो निभा लो, नहीं निभ सकते भाई, हाथ पे फोड़ा हो जाता है, फुंसी हो जाता है, या पैर ही टूट जाता है कभी कभी, और डॉक्टर बोलता है इसमें काम नहीं करेगा, तो लोग काट देते हैं। बोझ लेके क्यों चलना। तो निभ सकती है तो निभा लीजिए, नहीं निभ सकती टक से अलग हो जाइए। स्वतंत्र पैदा हुए हो, स्वतंत्र मरोगे। स्वतंत्र ही पैदा हुए हैं, स्वतंत्र ही मरेंगे। संसार के जो बीच के रिश्ते हैं, ये सिर्फ अपने अपने स्वार्थ के रिश्ते हैं। तो अगर आप ठीक करना चाहें तो श्रवण नक्षत्र के मंत्रों का जाप करें, भगवान विष्णु की आराधना उपासना करें, और एक विशेष मंत्र अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके आइएगा, मैं आपको बता दूंगा। उससे सो एंड सो आपकी मैरिज लाइफ धीरे धीरे आगे चलती जाएगी। तो ये था कर्क लग्न, कर्क राशि वालों के लिए। आपको भूमि भवन वाहन का कष्ट मिलेगा, संतान भी आपका कष्ट देती है। अगर मंगल ठीक हुए तब तो आपको संतान अच्छी मिल जाएगी, नहीं संतान संबंधित कष्ट भी आपको मिलता ही मिलता है। आय के मार्ग में रुकावट आती है और जीवन साथी से भी चिक चिक होता है, स्वाभाविक है, क्योंकि आप कर्क हैं, आप शुद्ध जल हैं और वो मकर है, परफेक्ट स्वार्थी है। क्या? परफेक्ट स्वार्थी। आप जहां उदार हैं उसको आप सबके लिए करते हैं, वो बोलता है नहीं सिर्फ मेरे लिए किया जाए, दूसरों के लिए ना किया जाए, रिश्ते नातों को छोड़ दिया जाए, सिर्फ मैं ही, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो करो। तो ऐसे में देख लीजिए, चल सकता है तो, मैं आजकल सीधा से बोल रहा हूँ, चल सकता है तो चला लीजिए, नहीं चल सकता तो बोझ लेके चलने की जरूरत नहीं है। आप अपने चंद्रमा को मजबूत करिए, क्योंकि संसार में खुश रहना जरूरी है। जिस दिन परमात्मा के सामने खड़े होंगे, परमात्मा ये नहीं पूछेगा तूने कितने घर बनाए, कितने प्लाट बनाए। ये जो घर और प्लाट होता है ना, ये सुई के नोक के बराबर भी नहीं है। कभी ब्रह्मांड में पृथ्वी को देखिए, एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ, जैसे पेन का डॉट, पेन का आप रख दीजिए ना बिंदु, इतना ही हमारे पृथ्वी का, पृथ्वी की औकात है। उस पृथ्वी में हम एक एशिया महाद्वीप में, किसी महाद्वीप में रहते हैं, उसमें कई छोटे छोटे देश हैं, उन छोटे छोटे देशों में कई शहर हैं, उन शहरों में एक मोहल्ला है, उन मोहल्ला में एक आपका घर है, छोटा सा, माने चिड़िया के घोंसले से भी कम है। तो उतनी बड़ी, वहां से आपको जुड़ना है, परमात्मा से जुड़ना है, तो आप ध्यान में जाइए। चंद्रमा का सबसे अच्छा उपाय क्या होता है? ध्यान करना। जल ज्यादा पीजिए, जलाशय के करीब बैठ के, या जहाँ जल कंटिन्यू प्रवाहित होता है वहां बैठ के आप आराधना, उपासना, ध्यान करना आपको कल्याण के मार्ग तक या मुक्ति के मार्ग तक ले जाएगी। चलिए, कोई चीजें नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करके आप बताइएगा, या डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आके आप संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए मंगलमय शुभकामना, परमात्मा सबका भला करे। शिव की आराधना आपके लिए श्रेष्ठ फल देने वाली है, करते रहिएगा। राधे राधे।